द 17 पॉइंट सेज रेडियस एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो रेडियस 3x हो जाएगा, हाइट आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे हमें बोला गया वॉल्यूम भी दी हुई है, वॉल्यूम इज गिवन अस 19,404, क्योंकि ये रेशियो में थे इसलिए हमें इंट्रोड्यूस क्या करवाना है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है। और वॉल्यूम क्या होता है हमारा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 19,404, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3x का स्क्वायर, 3x को 2 बारी लिख देते हैं, एच की जगह 2x, और राइट साइड पे 19,404 है। एक्स कितनी बार है हमारा यहाँ पे, 3 बार है, एक्स का क्यूब कर लो। अब 22, 3, 3 एंड 2 सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड पे डिवाइड होने, और 7 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होने 19,404 के साथ। 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, अब इसको रिड्यूस करें हम तो हमें वैल्यू मिलती है 2 से 19,404 को करो तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 9702। अब 9702 को आप 22 से भी डिवाइड करके देख सकते हो, नहीं तो आप एक काम करो 9702 को मल्टीप्लाई करो किससे, 7 से, सो यू वुड गेट 67914। नीचे हमारे पास 22 है और 9 है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 198, हमारे पास आ जाएगा 67914 इन डिवीजन 198, तो 343 आता है। अब 343 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 का क्यूब, एक्स क्यूब किसके इक्विवेलेंट है, 7 के क्यूब के, सो क्यूब से क्यूब गया, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, रेडियस आपका क्या हो जाएगा 3 × 7 विच इज 21, हाइट कितना हो जाएगा 2 × 7 विच इज 14 सेंटीमीटर। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे खत्म होती है, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू द 17th।